कैसे लगी मैम मूवी, क्या खास था फिल्म में? हिंदी में बोलिए। अच्छा, ढाई घंटे की फिल्म है तो कहीं बोर लगी आपको? अच्छा, जैसे फीमेल लोग के ऊपर ये फिल्म बनी थी तो आपको तो पसंद आई, मगर जेंट्स वन को पसंद आएगी? आई थिंक दैट द मेल विल आल्सो लाइक इट, ऐसा कुछ नहीं है कि गेट्स के अटेंशन से या अटेंशन या सेवन में इवन सेवन आई आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? 4.5। थैंक यू सभी घूमने के लिए। कैसे लगी मैम, अच्छी है? तापसी पन्नू का काम कैसा लगा इसको? बढ़िया, आ जाइए आप इधर। ओवरऑल जो स्टोरी है मूवी की, थप्पड़ को देखने के बाद तो क्या कहना चाहिए? रिजल्ट ये है कि अगर कोई गलती कर रहा है उसको माने कि उसने गलती की है, और नहीं मानेगा तो फिर लाइफ है बनाने के लिए। लेकिन ओवरऑल ये कहा जाए कि जो लाइफ है उसमें अगर कोई गलती करता है उसको माने कि ना हमने गलती की है, अगर नहीं मानेगा तो लाइफ में किसी को भी गलती नहीं हो सकती। और अभी की लाइफ हमको कोई भी दोनों पक्ष हो सकते हैं, लड़का भी हो लड़की भी हो, और किसी को बताया गया है कि लाइफ में कुछ रहने के लिए आदमी को ना मतलब एक दूसरे की बातें सुननी ही चाहिए, जो सुनता नहीं है उसको कष्ट होगा। कनेक्शन कैसा होगा? अच्छी है, मैं तो चार दूंगा पाँच। सर डायरेक्शन के बारे में, जैसे कि हमने पहले भी कोर्ट रूम ड्रामा काफ़ी फिल्में देखी है, जैसे मूर्त देखी है, पिंक देखी है, तापसी की और भी फिल्में देखी है, तो इसमें क्या अलग डायरेक्शन, ये अलग डायरेक्शन है, हमको जल्दी ही तुरंत मान लेना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी ईगो में लेने के लिए यार हमको हम है, हम नहीं होना चाहिए, मैं होना चाहिए, हम हमको दिखाया गया, हमको खत्म करने के लिए दिखाया गया। सर इसमें काम सबसे ज़्यादा अच्छा किसका लगता है? उसके अलावा सुमुद का और बहुत अच्छा सुमुद का काम, और जो एक्टर था उसका नाम भी बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया, और उससे अच्छा काम सबसे अच्छा काम किया है तो वो रानी बनी थी, उसका काम बहुत अच्छा था, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बनाया। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए, फिल्म का जो मुद्दा है वो काफ़ी सीरियस है, लेकिन फिल्म में कुछ भी एंटरटेनमेंट वगैरह है या नहीं? बहुत 1% सर। फीमेल आपको अच्छी लगी, लेकिन मेल लोगों को पसंद आएगी क्या? वो तो आप मेरे से ही पूछिए। नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उनको थोड़ा सीख लेनी चाहिए कि गुस्सा कैसा भी हो, गुस्सा किसी भी लेवल का हो रहा हो, बट थप्पड़ इसके अंदर कहा है थप्पड़ बस इतनी सी बात, उसके पीछे अगर कोर्ट तक बात जाती है, डिवोर्स तक बात जाती है, तो ये कितना हद तक सही होता है? सही है, क्योंकि थप्पड़ थप्पड़ होता है, अगर एक बार मारा है गुस्से में तो दूसरी बार भी गुस्से में थप्पड़ निकल सकता है। तो मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ऐसे थप्पड़ के अगर डिवोर्स तो इंडिया में समझौते सब रेडी हो जाएगा? मतलब जो भी है कि ये जो टॉपिक है, मतलब के कितना तक सही हो सकता है ये? नहीं, फिर उसके पीछे वो जो हस्बैंड है उसका अगर रियलाइजेशन हो तो फिर भी थोड़ा सोच सकती है भाई, बट इस मैटर में तो बिल्कुल नहीं। अच्छा मैम ठीक है, मतलब एक सीरियस टॉपिक के हिसाब से फिल्म अच्छी है, लेकिन अगर इस फिल्म में इंसान जब देखने जाता है तो एंटरटेनमेंट भी ढूंढता है, सोशल मैसेज भी ढूंढता है, इसमें सोशल मैसेज तो है, बट एंटरटेनमेंट कितने परसेंट तक मिलता है? एंटरटेनमेंट बहुत कम था, हाँ सीरियस मूवी थी, ऐसे हम लोग फ्रेंड्स गए थे, बट हमने थोड़ा सोचा कि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग थोड़ा गलत चॉइस है,
मतलब फ्रेंड के साथ ये फिल्म नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं बट थोड़ा सीरियस होगा, एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट थोड़ा। अच्छा फिल्म जो है 2.5 घंटे की, फिल्म का टॉपिक एक छोटा सा, हालांकि अपने आप में टॉपिक बहुत बड़ा, लेकिन फिल्म 2.5 घंटे की, कहीं ना कहीं यूँ नहीं लगा 2.5 घंटे कुछ ज्यादा हो गए, बोर कर रही? हाँ थोड़ा स्लो लगा कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, तो इस तरह मोशन लगा बीच में। फिल्म का जो टॉपिक है इसके हिसाब से फिल्म मुश्किल से 1.5 घंटे की होना थी, तो इंटरवल के पहले फिनिश हो सकती थी। वो आपको लगा कहीं बोरियत लगी फिल्म में? थोड़ी सी बीच में हो रही थी क्योंकि स्लो हो गई थी, बहुत ज्यादा स्लो चल रही थी, उसको थोड़ा सा फास्ट करके थोड़ा दिखाया जा सकता है। पासी के परफॉर्मेंस कैसे? ब्रिलियंट। एंड साथ में मिर्ज़ा का, दिया मिर्ज़ा भी अच्छी थी। डायरेक्शन वाइज में क्या कहेंगे फिल्म? मुझे इतना आइडिया नहीं है बट हाँ ओवरऑल अगर देखा जाए तो सही। जैसा पहले भी हमने कई फिल्में देखी है, कोर्ट रूम ड्रामा, पिंक देखी है, मुल्क देखी है, तापसी का जो ये है वो सोशल मैसेज पे वर्क करती है, वो सही लगता है। तो उन फिल्मों से ये फिल्म कितनी अलग है? अगर जैसे लोग देखने जाए सेम कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलेगा तो इस फिल्म में क्या अलग? कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है, कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है। अच्छा मैम आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? 4.5। और तापसी की एक्टिंग को? तापसी की एक्टिंग को 5 स्टार। थैंक यू। थैंक यू।